वंस अगेन हम आ गए आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओरी नेक्स्ट समीर। जैसे कि आपने इंट्रो देखा है, इस वीडियो में हम हमारे कारीगर द्वारा बनाए गए कुछ बेहतरीन और दुनिया के सबसे मुश्किल हैंडीक्राफ्ट वर्क, जिसे स्टोन कार्विंग, स्टोन स्कल्पचर्स बोलते हैं, ये पत्थर को खोदते गए डिज़ाइन बनाया गया है। जैसे कि आपको पता है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे कारीगर पत्थर के मूर्ति, पत्थर के मंदिर बनाते रहते हैं। उन सब में से ओडिशा के कारीगर सबसे कुशली या अच्छे माने जाते हैं। वो जगन्नाथ जी को मंदिर को बनाने से लेके बहुत बड़े बड़े पत्थर के काम युग युग से बनाते आ रहे हैं। उन्हीं के वंशजों के द्वारा अभी ये डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्टैचू बन रहे हैं, जो कि विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के हिंदू देवा देवी, जीशु, दूसरे भगवान, हाथी, घोड़ा, बुल, वृषभ जिसे कहते हैं महादेव के, ये सारे आइटम विभिन्न प्रकार के साइज में बनते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये हमारे द्वारा बनाए गए एक 15 फीट का गणेश जी का स्टैचू है, जो कि अभी पॉलिश नहीं किया गया है। जब बुकिंग या डिलीवरी होगा तब पॉलिश करके इसे फिनिशिंग किया जाएगा। अभी ये इसके फाइनल स्टेज में है। उस तरह के डिफरेंट साइज, 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऐसे साइज के गणेश जी के मूर्ति बनते हैं, जो कि अभी हमारे पास स्टॉक भी है। उसके साथ राधा कृष्णन जी के मूर्ति डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिजाइन में बनते रहते हैं। मंदिर के सामने रखे गए सिंह, लायन, डांसर्स, आपके गार्डन के लिए डांसर भी बनते हैं। तो छोटे से लेके बड़े वैरायटी तक डिफरेंट आइटम इस वीडियो में देखिए, उसका मज़ा लीजिए। और आगे इसके कारखाना में जाएंगे, कारीगर जब बनाते हैं उसको देखेंगे, और भी बहुत सारे वैरायटी जो कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से अभी बन रहा है, और स्टॉक के लिए भी कुछ बनाते हैं। इसमें हम आगे आगे आपको स्टोन कार्विंग के दूसरे वैरायटीज काम दिखाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इस तरह के ओडिशा हैंडीक्राफ्ट के फेमस आइटम्स आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे, ताकि आप हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो YouTube में देख सकें। तो और भी कुछ आइटम देखेंगे, जो कि स्मॉल साइज से लेके बिग साइज तक बनता है। ये आपको डिफरेंट शेप में बस दिखाई देगा। ये गणेश जी के हाथ में लड्डू, उनका हर फ्लावर, स्नेक्स, डेकोरेशंस सब बारीकी से बनाया जाता है, ताकि स्टैचू के पास और कोई आए तो कारीगरी का कमाल देख सके। गणेश जी की बहुत सारी डिमांड होने की वजह से ये विभिन्न प्रकार के स्टोन में बनते रहते हैं, जैसे पिंक स्टोन, येलो स्टोन, रेड सैंड स्टोन एंड ब्लैक स्टोन। सब पत्थर के ऊपर डिफरेंट साइज में, डिफरेंट शेप में ये मूर्ति बनाए जाते हैं। ये सब 24 इंचेस 30 इंचेस का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, जिसका प्राइस 15,000 से 20,000 तक है, इंक्लूडिंग होम डिलीवरी। ये सब पॉलिश किया गया है, इसीलिए आपको सुंदर दिख रहा है। इसके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइन आप आगे देखेंगे।
वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप बहुत सारे वैरायटी देख सकें। धीरे धीरे हम कैमरे को आपके लिए ले रहे हैं ताकि आप बारीक से ये काम देख सकें और हमारे कुशल कारीगर एक्सपर्ट आर्टिसियन के द्वारा बनाए गए मुश्किल काम का मजा ले सकें। ये गणेश की प्रतिमा बहुत डिज़ाइन डेकोरेशन के साथ बनाया जाता है। सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग थीम अलग अलग स्टोरी के साथ दिखाने की कोशिश किया जाता है और बहुत ही बारीक बहुत ही सुंदर से भी दिखाया जाता है। ये आपके घर में ऑफिस में होटल्स में जहाँ भी रहेंगे सबका ध्यान आकर्षण करने के लिए काफ़ी है। ये सारे आइटम बहुत ही यूनिक बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए पद्मश्री अवार्ड नेशनल अवार्ड भी कारीगरों को दिया जाता है क्योंकि उन्हें पता है ये काम कितना मुश्किल है। ये देखिए महादेव जी की नटराज मूर्ति गणेश जी के पास कितने पतले पतले काम बारीक से बनाया गया है। इसका डिफरेंट साइजेस भी है। ये स्मॉल साइज आप देख रहे हैं जिसका प्राइस 45,000 है। जितने बारीक काम होंगे उनका प्राइस उतना ज़्यादा रहता है क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। कहीं कहीं बहुत ही टाइम लगता है। इतना हल्का छोटे छोटे पार्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा काम मिलेगा। ये बहुत ही मेहनत से चार महीने लग जाते हैं एक को फिनिशिंग करने के लिए। दो कारीगर दिन रात काम करते हैं। इसका भी बहुत सारे साइजेस है जो आगे वीडियो में आप देखेंगे। धीरे धीरे पीढ़ी बाई पीढ़ी बनाते बनाते हमारे कारीगर इतने स्किल्ड आर्टिसियन हो गए हैं जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने में माहिर हैं। दुर्भाग्यवशतः उन्हें दुनिया में खोजा नहीं जा रहा है। दुनिया में लोगों के पास वो पहुंच नहीं पा रहे हैं हमारे कम्युनिटी। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट को हम शोकेस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मोबाइल वीडियो यूट्यूब चैनल के सहारे हम धीरे धीरे इस चैनल को इसीलिए ग्रो कर रहे हैं ताकि हमारे ओडिशा के हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो कि बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाया जाता है वो सारे दुनिया आप सबके सामने पहुंच सके, आप सब काम देख सके और हमारे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच सके ताकि कारीगरों को काम मिलता रहे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन काम कम से कम दाम में होम डिलीवरी हो पाए। ये काम मीडियम साइज वाला आप देख रहे हैं नटराज की मूर्ति। इससे बड़ा साइज भी आता है अप टू 1 लाख पर पीस साइज के हिसाब से हमारा है 3.5 फीट का। ये 2 फीट का आप देख रहे हैं 2.5 फीट 3 फीट। नटराज की मूर्ति मुझे सबसे बहुत ही अच्छा लगता है। जितनी बार देखता हूँ 15-20 मिनट जैसे टाइम निकल जाता है हर रोज़ देखने से मेरी 15-20 मिनट टाइम उसके सामने चला ही जाता है। इतने काम किए जाते हैं इनमें इतने स्टोरी इनमें छुपा है। इतना देखो बहुत ही अच्छा लगता है। बुद्ध जी की प्रतिमा से लेकर शनि जी की प्रतिमा से लेकर दुर्गा माता की प्रतिमा से लेकर ब्लैक स्टोन में डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बनाए जाते हैं मंदिर के लिए और हमारे कारीगर मंदिर भी बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर 100-150 फुट 90 फुट
ऐसे हाइट का बड़े बड़े टेम्पल्स भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर फुल डेकोरेशन किया जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतरीन मंदिर हमारे यहाँ उड़ीसा में बहुत पाए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर, सोन टेम्पल, भुवनेश्वर तो मंदिरों का शहर कहा जाता है, टेम्पल सिटी भुवनेश्वर। इतने सारे मंदिर, ये सारे हमारे लोकल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। अब उनके द्वारा ये सारे स्टैचू, ये सारे मूर्ति बन रहे हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर शेयर बटन दबा के अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं तो हमारे वीडियो और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा। एडवांस थैंक यू बोल रहे हैं। साईं बाबा के मूर्ति के भी बहुत सारे डिज़ाइन बनाए गए हैं। गरुड़ जी की प्रतिमा है, बहुत सारे मंदिर के सामने इनको रखा जाता है। इनको ब्लैक स्टोन में बनाया गया है। 30,000 से लेके 20, 30, 20, 30, 40, 60,000 ऐसे डिफरेंट साइज़ के हिसाब से इसका प्राइस रहता है। बड़े से लेके छोटे साइज तक डिफरेंट साइजेस में ये अवेलेबल है। इसके साथ ये ब्लैक स्टोन वाला काम आप अभी देख रहे हैं, पहले आपको पिंक स्टोन दिखाया था, रेड स्टोन, सैंड स्टोन, फिर अब आप ब्लैक स्टोन देख रहे हैं। बहुत सारे मंदिर के अंदर भगवान जी की जो प्रतिमा होती है वो इसी ब्लैक स्टोन में ही होता है। हम साउथ इंडियन हैं, हमारे हिंदी को थोड़ा माफ़ कीजिएगा, हम आपको समझाने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। अगर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो क्षमा कीजिएगा। हमारा मदर टंग उड़िया है, हम उड़ीसा में साउथ इंडिया आप बोल सकते हैं, तो थोड़ा हिंदी आप जैसे बोल नहीं सकते, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, नेशनल लैंग्वेज है। हमारे द्वारा बनाए गए डिफरेंट पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं, उनमें हमारी उड़ीसा के, हमारे लोकल के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम को हम रेगुलरली इसी चैनल में अपलोड करते हैं। चैनल का नाम ओरी नेक्स्ट समीर है। यहाँ पर हम उड़ीसा के हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट डिजाइन जिनके साथ हम डील करते हैं, जिनको मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपोर्ट तक हम हैंडल करते हैं, उसी आइटम और हमारे उन्हीं वेराइटीज़ को हम अपने वीडियो में अपलोड करते हैं। अभी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी करके पेंटिंग्स, ये स्टोन क्राफ्ट और एप्लिक उड़ीसा हैंडीक्राफ्ट एक ओवरऑल लुकअप दे रहे हैं सारे प्रोडक्ट की। इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, नए नए वीडियो बनाएंगे और प्रोडक्ट की डिटेलिंग करेंगे। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट, मोर देन 500 to 1,000 टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट दैट इज बीइंग मेड इन आवर उड़ीसा विथ आवर स्किल्ड आर्टिसियंस, उन्हीं को आप सबके सामने लाएंगे, जो कि हमारे चैनल का मकसद है। तो आप सबका साथ होने से हम सबका विकास होगा, तो सबका साथ सबका विकास। हमारे देश में छुपे हुए हीरो को उजागर करेंगे, उन्हीं को एक्सपोज करेंगे, उन्हीं का आइटम को बेचेंगे। ताकि देश और दुनिया में बेहतरीन काम पहुंच के हमारे एरिया का नाम और भी बड़ा हो। हमारे जितने आर्टिसियन कम्युनिटी हैं मेरी तरह, उन सब का फाइनेंशियल कंडीशन भी ओके हो, ताकि वो इतने मुश्किल काम करके जो इनकम कर नहीं पा रहे हैं उसी का सोल्यूशन शायद हम आप सबके साथ ला सकें। बुद्ध जी की प्रतिमा देखिए, उनके हेयर स्टाइल से लेकर बॉडी, टोटल ड्रेसेस सारे फिनिशिंग एंड तक है। उसके बाद उसको एक फाइनल टॉच दिया जाएगा, पॉलिश किया जाएगा, उसको प्लेन किया जाएगा, कॉलर दिया जाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट आपके सामने हाजिर। ये सारे रॉ आइटम्स हैं जो कि फिनिशिंग के वन स्टेप बिफोर, पॉलिशिंग के वन स्टेप बिफोर हैं।
ये देखिए डांसर डिजाइंस, इनको गार्डन एंट्री गेट कहीं भी रख सकते हैं, देवदास इसे कहते हैं। और ये हमारे गणेश जी का ब्लैक स्टोन में बनाया गया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर काम। आगे आगे आपको और भी बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स स्टोन कार्विंग सीरीज में दिखाएंगे, जिनमें से आप राधा कृष्णन से लेके विभिन्न प्रकार के स्टैचू, विभिन्न कारीगर द्वारा बनाए गए स्टैचूस आप देख सकेंगे। चैनल को लाइक फॉलो शेयर, और फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो लाइक फॉलो शेयर कर दीजिए। ये देखिए एक बेहतरीन आर्ट वर्क राधा और कृष्णन जी का, लॉर्ड कृष्णा राधा जी का विथ डेकोरेशन वर्क्स, क्योंकि बहुत ही बारीक, इसको बनाने के लिए 4 से 5 महीना लगता है। कुछ कुछ हम स्टॉप करते हैं, अगर 4 से 5 कारीगर लग जाएं तो 1 महीने से 2 महीने में ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम बेहतरीन कारीगरों को देके काम बनाते हैं जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं, 20 से 30 साल का उनका एक्सपीरियंस रहता है। उन्हीं सब के साथ काम करने में काम का जो आउटपुट निकलता है वो सबसे बेहतरीन, आई कैचिंग हमेशा रहता है, यही हमारी मोटो है। मार्जिन भले ही कम हो लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी नंबर 1 हो, नंबर 2 हमें पसंद ही नहीं है। तो हमारे विभिन्न प्रकार का और भी थोड़े थोड़े डिज़ाइन इस वीडियो में हम दिखाएंगे, उसका मज़ा लीजिए। अगर कुछ आइटम आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट हमारे फ़ोन नंबर 9556291276 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो हमें उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको सर्विस, इंस्टेंट सर्विस देंगे। तो हमारा काम देखिए।
जो कि छोटे छोटे साइज 10 इंच से लेके 15 फुट तक भी है। अभी ये छोटे छोटे डिजाइन हम आपको दिखा रहे हैं वही गणपति जी का, उनके बहुत सारे डिजाइन हमारे पास स्टॉक रहते हैं क्योंकि ये रेगुलर सेलिंग आइटम है। गणपति जी का बहुत डिमांड रहता है हर साइज में, इसलिए उसका छोटे से बड़ा लगे बहुत सारे साइजेस स्टॉक रहते हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे वैरायटीज जो कि आप अभी देख रहे हैं, बामन अवतार, विष्णु जी के बहुत सारे अवतार, दस अवतार, हनुमान जी, मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोन स्कल्पचर्स बनवा के रखते हैं। खाली इसको फिनिशिंग पॉलिशिंग किया जाएगा, एक दिन में ये तैयार हो जाएगा। ये और भी छोटे साइजेस हैं जो कि 6 इंचेस थे, और ये थोड़े बड़े साइज के हैं। ये 3 फीट का साइज का वाला स्टैचू आप अभी देख रहे हैं, और ये 5 फीट वाला लेडी विथ ए पॉट। पत्थर से साड़ी को भी कैसे बनाया गया है, उसकी चूनर सबका ध्यान रखा गया है, और सबको हल्के हल्के पतले पतले पत्थर को काट काट के बनाया जाता है, जिसके लिए बहुत टाइम मेहनत और ढेर सारा स्किल प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप एक पत्थर से इस तरह के ब्यूटीफुल क्राफ्ट वर्क बनवा सकते हैं। फोटो को देख के भी उस हिसाब से बनाया जाता है, उसके साथ डिफरेंट मॉडल्स भी बनते हैं। ये सारे डेकोरेशन पर्पस, मंदिर, गार्डन्स, ऑफिस, होटल्स, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस में रखे जाते हैं। भगवान के मंदिर के लिए तो ये कंपलसरी है, उसके साथ डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इसे यूज किया जाता है। जिस जगह भी ये स्टैचू रहता है उस जगह का सौंदर्य ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़ जाता है। इसी तरह के बहुत सारे वैरायटी के हैंडीक्राफ्ट के काम जो कि डायरेक्ट फ्रॉम आर्टिसियन है, और जो कि बहुत ही मुश्किल और बहुत ही सुंदर वाला काम है, उस तरह के वीडियोस को हम रेगुलरली हमारे इस YouTube चैनल में अपलोड करेंगे, और आप सभी के पास ये सब बेहतरीन काम, ये सब कारीगर, हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे जितने सारे आर्टिसियन भाई और बहन हैं, उन सब के काम को रेगुलरली आप सबके पास लाएंगे। आप उनका काम देखिए, उनका बेहतरीन काम देखिए, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम जिसे कहते हैं, और अगर कुछ ज़रूरत आपके लिए हो तो बेझिझक हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमारे साथ जुड़िए। यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आप सबकी कमेंट्स को रेगुलरली पढ़ रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए नए नए कंटेंट, नए नए वीडियोस जो कि हमारे ओडिशा के हैंडीक्राफ्ट के रिलेटेड है, सारे कारखाना से आप सबके लिए वीडियो बना के रेगुलरली लाएंगे। अगर कुछ दूसरे तरह के वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको ध्यान में रखते हुए नए नए काम करेंगे। हम तो अभी इस सेक्टर में नए हैं तो कच्चा खिलाड़ी हैं, तो रॉ वीडियोज़ छोटे मतलब बहुत ही
नॉर्मल एडिटिंग के साथ आप सबके सामने ला रहे हैं, और सारा वीडियो बिहाइंड द कैमरा हम खुद ही हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग खुद ही, एडिटिंग खुद ही, और बाकी ये सब मोबाइल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी धीरे धीरे प्रोफेशनली कैमरा यूज़ करेंगे, कैमरामैन यूज़ करेंगे धीरे धीरे। आप सबका ढेर सारा लाइक, व्यूज़, सब्सक्राइब हमारे मनोबल को धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा, हम जैसे कारीगर भी एग्जिस्ट कर पाएंगे, जो कि अभी धीरे धीरे इस सब काम छोड़ के दूसरे काम मजदूरी में हमारे कारीगर भाई जा रहे हैं। और कोरोना के वजह से तो पूरा हालत सबका ख़राब है, क्योंकि लोग अब इतने जाना आना कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सारे हमारे कारीगर भाई परेशान होके डेली मजदूरी के लिए भी निकल रहे हैं, क्योंकि परेशानी ही इतनी ज़ोर से है कि एग्जिस्ट कर पाना अभी मुश्किल है। तो उन सब का थोड़ा ख्याल रख के उन सब के काम को आप सबके सामने लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश है। आशा है तमाम तरह के वीडियो के साथ आप सबको ये सब रियल हीरोज़ की रियल आर्ट एंड क्राफ्ट ज़रूर अच्छा लगेगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग ना लग सकता हो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, जो कि बिना कुछ तामझाम के डुप्लीकेसी से डायरेक्ट रॉ रियल फुटेज आप सबके सामने ला रहे हैं। धन्यवाद यूट्यूब को जिसने ऐसा एक माध्यम बनाया जिससे हम जुड़ सकें आप सबके सामने, और आप सभी को अशेष 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 धन्यवाद कि आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। कि महीने में हमारा 100+ सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसलिए आप सबको हमारे सब्सक्राइबर को बहुत ही बहुत 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 धन्यवाद। आप सबकी सब्सक्राइब हमारी मनोबल को, एक ही सब्सक्राइब हमारी मनोबल को 100 गुना बढ़ा देता है। तो हमारे साथ जुड़ते रहिए, हम आपके लिए बेहतरीन कारीगरी, बेहतरीन हाथ का काम डायरेक्ट फैक्ट्री से अपलोड करते रहेंगे। ये हमारी आपसे प्रॉमिस है। भगवान गणेश जी की मूर्ति अभी बन रही है, इसीलिए ये ऐसे रखा गया है, बनने के बाद इसको सीधा कर दिया जाएगा, बड़े बड़े पत्थर को लेके काट काट के फिनिशिंग करके फिर ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत धीरे धीरे बन रहा है। बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे पत्थर आधे से टूट ही जाते हैं। एक हल्का सा ठोकर एक जोर से लग गया मतलब गया पत्थर। तो इसको बनाने के लिए प्रेशर का भी मेजरमेंट रहता है, इसे कार्विंग किया जाता है उसी प्रेशर के साथ, उसको मार पड़ने से ये पत्थर को धीरे धीरे ये सेट में लाया जाता है। ये लकड़ी नहीं है जो आराम से कट जाएगा, ये पत्थर है, कहीं हार्ड रहता है कहीं सॉफ्ट रहता है। आराम से अगर पत्थर को पहचान के आराम से ना बनाए तो पत्थर आधे से टूट ही जाता है। तो बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा स्किल रख के इस सब को बनाया जाता है। ये जैसे बहुत सारे डिज़ाइन और आगे हम बनाएंगे, और आपको भी अगर दूसरा कुछ डिज़ाइन के बारे में देखना है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए ब्लैक स्टोन में माता दुर्गा की एक बेहतरीन कला
टोटल ब्लैक स्टोन सिंगल स्टोन में ये बनाया गया है। ये मंदिर में लायन के ऊपर बैठे हैं दुर्गा माता, उनके पास ये सारे 6 इंच 4 इंच के छोटे छोटे सिंगल स्टोन में बनाए गए स्टोन क्राफ्ट से, जो कि टेबल टीवी के ऊपर रखा जाता है। और ये थोड़े उनसे बड़े बड़े 2 फीट 3 फीट 4 फीट के आइटम हैं। और ये हमारे गणपति पापा की एक लास्ट वीडियो, इसको हमने और एक बार डाला है, गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति और ये बापा की बहुत ही सारे चाहने वाले ज़्यादा मुंबई से होते हैं, हमारे ज़्यादा कस्टमर महाराष्ट्र से होते हैं, जो कि बापा के बहुत ही बड़े बड़े भक्त होते हैं। और ये अपने डांसर, पहले इंद्रदेव जी के स्वर्ग में डांस करते थे, हम उनको कॉपी करके यहाँ धरती पर ला दिए ताकि हम आप उनको देख सकें। स्वर्ग तो जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, यहाँ धरती पे ही देख लीजिए बापा की और एक एंगल से फोटो वीडियो है ये। जय गणपति बापा। उनके हर छोटे काम को भी ध्यान में रख के, नाखून अलंकार उनके ऑर्नामेंट सब ध्यान में रख के बनाया जाता है, उनके हार वगैरह सब, कोई एक भी जगह छूटा नहीं होगा जहां आप नज़दीक से जाके देखें और आपको वहां हस्तकला नज़र ना आए, मुश्किल से मुश्किल हस्तकला सबको ध्यान में रखा जाता है। सारे डेकोरेशन, सारे ड्रेसेस, सारे ऑर्नामेंट्स, सारे वेपन्स, जहां जो डिज़ाइन में ज़रूरत रहता है उसको हम बनाते रहते हैं। उसके साथ बुद्ध जी की डिफरेंट प्रतिमा रहता है, वो इंटरनेशनली बहुत ही फेमस है और इंटरनेशनली रिक्वायरमेंट भी इसका बहुत ज़्यादा रहता है। साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ये सारे बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ से भी ऑर्डर रहता है। और ये पार्श्व देवता विभिन्न प्रकार मंदिर के साइड में इसको लगाया जाता है। और ये लायन छोटा सा है, छोटे छोटे मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी लायन का बहुत ही बड़े बड़े साइज में भी बनता रहता है। और कुछ छोटे छोटे काम देखिए, छोटे छोटे डिजाइन, छोटे छोटे स्टैचूस, छोटे छोटे एनिमल्स, जो कि अभी रॉ फेज में है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और ये सब फिनिशिंग होके आप सबके पास होम डिलीवरी होने के लिए रेडी है। फिर से गणेश जी की एक डिफरेंट स्टैंडिंग पोजीशन वाली एक छोटी सी मूर्ति, ये है वामन अवतार भगवान विष्णु जी की लीला। इसके साथ और भी कुछ डिजाइन हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमान जी इन स्टैंडिंग पोजीशन, बराहा अवतार पीछे है, नृसिंह अवतार, सारे विष्णु जी के अवतार भी स्टैचूस में पत्थर से बनाए जाते हैं। आप सभी इन आइटम को जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन आप फिनिशिंग होने के बाद जहां रखा जाता है वहां से देखे होंगे, कभी फैक्ट्री रॉ मटेरियल जहां बनता है वहां से शायद कुछ कुछ लोग देखे होंगे।
अगर देखे हो तो कहाँ देखे हो ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस किस एरिया में ये सब आइटम बनता है। अगर नहीं देखे हो तो भी बताइएगा कि आप पहली बार हमारे इस YouTube वीडियो में देख रहे हैं, ताकि हमको कुछ पता चले। ये कुछ हमारे दूसरे आइटम्स ब्लैक स्टोन में बनवाए गए हैं, उनके ऊपर व्हाइट स्टोन में रखे गए हैं। और ये दीप जलाने के लिए दीपदानी का दीप जिसे कहते हैं। इसी के साथ हमारे और कुछ दूसरे आइटम का भी मजा लीजिए। वीडियो के आखिर में हम आपको फिर से कुछ बता के विदाई लेंगे। तब तक हमारा ये वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।
हमारे कैमरे, कैमरा क्लिक्स, फोटोज जिसको हमने क्लिक किया था लास्ट में, फाइनल में आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। फॉर एनी अदर डिमांड्स इंफॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट बिलो। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड सिमिलर वीडियोस, सिमिलर कंटेंट्स which will be uploaded regularly in some time interval in our channel. So please do like, subscribe and share. इसी के साथ हम आप सबसे अलविदा लेते हैं जल्द ही एक नए ओडिशा हैंडीक्राफ्ट के वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।